ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज का जो विषय है रिटर्न जर्नी, तो मुझे क्या करना है। और ये स्मृति अगर हमेशा निरंतर अपने अंदर रहे तो शायद हम बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकेंगे, क्योंकि रिटर्न जर्नी कहाँ की रिटर्न जर्नी है हमारी? रामधाम की। कहाँ की रिटर्न जर्नी है? अपने घर की। और सुखदाम की है ना, दो रिटर्न जर्नी पर है। तो दोनों की तैयारी हमें अपने आप में करनी होगी। परमधाम की रिटर्न जर्नी पर है तो उसकी तैयारी क्या होगी, और फिर अपने सुखधाम में भी जब जाना है उसके बाद तो उसकी तैयारी क्या होगी। जिस तरह कोई व्यक्ति सोचता है जीवन के बाद कहीं कोई लौकिक में शादी होती है और नजदीक है तो सोचते हैं वहां से ही वहां चले जाएंगे और शादी अटेंड करके आ जाएंगे। तो दोनों की तैयारी अपनी अपनी होती है। शादी में सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे आप, और मधुबन में सज धज करके नहीं बैठेंगे यहाँ पर कि चलो वही शादी के कपड़े मधुबन में पहन लेंगे और फिर वहां से वहां जाएंगे दोबारा पहन लेंगे। उसमें क्या है, मधुबन में भी देखे हमें श्रृंगारे हुए स्वरूप में नहीं। दोनों जगह अगर जाना है एक ही ट्रिप में तो दोनों पैकेजी अपनी अपनी बनाएंगे आप, अलग अलग रखेंगे। ठीक इसी तरह हमें जाना है और वहां से भी आगे सुखधाम जाना है। ये तो नहीं कि वापस संगम युग पर आकर के फिर सुखधाम में जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए एक ही बार में दोनों जगह की या दोनों स्थान की तैयारी हमें करनी होगी। क्योंकि जैसे दो चार दिन पहले ही बाबा ने कहा कि हमारे दो शिवालय हैं, परमधाम निराकार शिवालय है तो सतयुग हमारा साकार शिवालय है। तो इसी तरह जब दोनों स्थान हमारे अपने ही है और जाना ही है हमें, तो दोनों की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है। क्या तैयारी करेंगे, क्या तैयारी करनी होगी दोनों स्थान पर जाने के लिए। दोनों का बैग लेके चलन बनाना है तो क्या क्या तैयारी करेंगे। कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई बस एकदम निराकार स्थिति में ही जाना है, परमधाम जाना है ना पहले, तो उसकी तैयारी पहले कर देते। नहीं, आज जैसे बाबा ने बहुत अच्छी बात बोले में कही कि तुम्हें पवित्र बनना है, क्योंकि दोनों को ही आत्मा पावन चाहिए। तो नई सत्यों की दुनिया में भी जाना है तो हमारा आदि स्वरूप ही पवित्र स्वरूप है। तो इसीलिए वो तैयारी हमें यहां से करनी होगी। और उसके लिए यहां से जो फैलाव किया हुआ है उसको समेटना जरूरी है। जिस तरह कोई व्यक्ति अगर विदेश में सेटल होना चाहता है और उसकी सारी तैयारी हो जाए कि अब वो भी परमानेंट यहाँ छोड़
यहां जरूर है समेटना चालू करेगा, क्योंकि भाई वहां चले जाएंगे और फिर वहां से यहां कोई वापस आना नहीं है। आएंगे तो भी थोड़े समय के लिए आकर के चले जाएंगे, तो घर मकान आदि जो कुछ भी है उसको निकालना चालू करेगा, समेटना। जो ले जाने वाली चीजें हैं वो ले जाएंगे, बाकी तो वहां मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ की चीजें निकाल देना पड़ेगा। और इसलिए घर की एक एक बड़ी बड़ी जो सामग्रियां है उसको छोड़ना चालू करेगा या बेचना चालू करेगा। कई मकान को बेचेंगे, जो फर्नीचर है उसको बेचना चालू करेगा। तो आप क्या कहेंगे, अरे क्या करना, अभी तो वहां ही जाकर के रहना है, यहाँ तो आना नहीं, तो प्रॉपर्टी यहाँ खरीद के क्या करना है, यही कहेंगे ना। ठीक इसी तरह अब यहाँ इस दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम रिटर्न जाने पर है तो समेटना ही है। अगर समेटेंगे नहीं है फिर भी यहाँ फैलावा करते जाएंगे, तो फिर वो समय जब आएगा तो क्या हाल होगा। जैसे एक व्यक्ति सारी जिंदगी धन कमाता रहा, धन 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 इकट्ठा करना है बच्चों के लिए, पोतों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, धन 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 करता रहा, और लास्ट में हार्ट अटैक आया, शरीर छूटा और उसके बेटे ने कार्ड भेजा सबको, मेरे पिता का निधन हो गया। धन धन करता और लास्ट में निधन निधन हो गया उसका। वो धन किस काम का आया जो निधन होकर के ही जाना पड़ा उसको। अरे हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आई है उसके कर्म अनुसार, तुम पुत्र पोत्र के लिए क्या इकट्ठा करेगा, उसके भाग्य में अगर नहीं है, उसने पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कर्म ही नहीं किए तो तुमने इकट्ठा किया तो भी कहीं ना कहीं उड़ा देगा, खत्म कर दे उसके जो नसीब में भोगने के हिसाब से, उसको सुख मिले उसके हिसाब से जो इकट्ठा किया था वो तो कोई काम का नहीं। हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आती, इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि माता पिता जन्म दे सकते हैं, भाग्य हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से ही लेकर आती है। आप कितना भी इकट्ठे करके जाओ अगर उसके नसीब में नहीं है, कहां चोर रुक जाएंगे, डाका डाल देंगे, रास्ते पर आ जाएगा क्या। इसलिए कहा सारा समय धन 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 के पीछे चला गया उसका। जब भी उसको कहा कि भाई थोड़ा समय योग कर ले, ये भट्टी कर लो, ये कर लो, कहा नहीं, धन कमाने का है, अभी तो सीजन है, अभी तो ये है, और फिर निधन होकर तो जो कमाई लेकर जा सकता था वो कमाई भी नहीं लिया, और जब नहीं लेके जा सकता था उसी में ही श्वास लगाए रहे और निधन हो गया। तो इसलिए तैयारी कि कल को हमारे लिए वो ये ना कहे कि हाँ भाई देखो सारा समय धन 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 करता रहा और लास्ट में तो निधन होके ही जाना पड़ा उसको, नहीं ये कमाई किया, स्पिरिचुअल कमाई भी नहीं हुई, रूहानी कमाई भी नहीं हुई, और वो जिस्मानी कमाई भी कोई काम नहीं। तो समेटना जरूरी है। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो बाप दादा ने भी इतना समेटना शुरू, दादियां जब थी हमारे पास में तो कहते थे बाप दादा लाते थे तो उस समय पांडव भवन के बाबा के कमरे में बाबा आता था दादी के कद में, और घंटों, उस समय तो थोड़े से बच्चे होते थे, घंटों बाबा सबको समय
देता था, एक एक के साथ भोजन करता था, एक एक के साथ में बाबा हमको खिलाता था, तो बाबा को खिलाते थे, कितना कमिटिंग थी। उसके बाद जैसे बच्चे बढ़ते गए तो हिस्ट्री हॉल में आना चालू किया। मुझे याद है हमने पहली मुलाकात जब बाबा से किया था तो हिस्ट्री हॉल में ही किया था, और हिस्ट्री हॉल में वो थोड़े से बच्चे होते थे, बाबा घंटों में जीते थे, बाबा के साथ ही रात्रि का भोजन होता था। और उसके बाद जैसे बढ़ते गए बच्चे तो मेडिटेशन हॉल, उसके बाद वो शांति भवन। तो जो बाबा अल्टरनेट डे पर आता था पहले, उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू कर दिया, या हफ्ते में एक बार आना शुरू किया, उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू हुआ। और उस समय बाबा जो एक एक से पर्सनल मिलते थे, उसके बाद ग्रुप ग्रुप मिलना चालू किया सेक्टर वाइज, उसके बाद जोन वाइज मिलना चालू किया, और नीचे जब शांति वन में आना शुरू किया तो बस इकट्ठा एक बार बाबा पहले पूरी पूरी रात बैठता था, एक एक ग्रुप से मिलता था, और फिर यहाँ शांति मन में 10 बजे तक 12 बजे तक मैक्सिमम बाबा। तो बाबा ने भी समेटना शुरू किया, और समेटते 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 अब क्या हो गया, समेट लिया ना बाबा। ये समय का सबसे बड़ा इशारा है कि जब भगवान ने समेट लिया तो वो समय कितना नजदीक होगा, सोचने की बात है। कभी तो भगवान के
लेकिन वो परिस्थिति या वो विघन बाबा की याद से विघन विनाशक बनेंगे या विघन विनाश होगा फिर बाबा को याद करेंगे? नहीं, उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए जिस तरह एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है या पैदल भी अगर जा रहा है, हम कहें साइड सीट समाप्त हो फिर मैं आगे बढ़ूं, चलने वाला कौन है? हम है या वो साइड सीट है? कौन चल रहा है? हम चलेंगे तो साइड सीट चली जाएगी, हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे साइड सीट जाए फिर मैं आगे बढ़ूं, ये तो उल्टा हिसाब हो गया ना। तो रिटर्न जर्नी पर है हम, तो साइड सीन की परवाह मुझे नहीं करना है, मुझे चलते जाना है, पुरुषार्थ में मुझे आगे बढ़ते जाना है। आज सवेरे बहन जी कह रहे थे किनारा छोड़ देना चाहिए,
लेकिन किनारा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लोगों से हमें बोलना ही बंद कर देना। नहीं, हम सबकी ही आत्माएं हैं। जो संगठन में रहना चाहती है, एक दूसरे से संस्कारों की रास मिलन करना चाहती है, वहां रास करना है, तो वो रास के संस्कार भी मिलना, तो दोनों चीज का बैलेंस, एक तरफ किनारा किससे, व्यक्तियों से नहीं, व्यक्तियों से निभाना जरूर है, लेकिन इतना अटैचमेंट भी ना हो जो उसी में फंस जाए। तो डिटैचमेंट और निभाना, ये दोनों का बैलेंस, क्योंकि हम खाली मुक्ति धाम में नहीं, जीवन मुक्ति धाम में भी जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक आंख में मुक्ति तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, तो दोनों व्यवहारिक कुशलता भी हो, क्योंकि जीवन मुक्ति दान में प्यार, मिठास, संस्कार मिलन, नम्रता, सत्यता, पवित्रता, ये सदगुण भी है सतयुग के लिए, तो उसकी तैयारी, उसके जेवर के सेट तैयार करने। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, बाबा ने कहा हर रोज अलग अलग सेट पहनो, अलग अलग जेवरात के सेट पहनो, कौन से स्कूल नहीं, लेकिन कभी संतुष्टता का ज्वेलरी का सेट पहनो, कभी मधुरता के साथ सेट पहनो, आंखें देखे तो भी मधुर कान वाली बातें, बोले तो भी मधुर बोल बोले, सुने तो भी मधुरता वाले शब्द सुने, कोई कितना भी कड़वा बोल रहा हो तो भी मुझे मधुरता उसमें से लेनी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि जीवन मुक्ति धाम के संस्कार, तो उसकी भी साथ साथ तैयारी करनी है। और परम धाम में क्योंकि मैं अकेली, मैं और मेरा बाबा, दूसरा तो कोई, वो वहां की स्थिति है। तो जब हम योग में बैठते हैं, जब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा पर है, तो उस समय मधुबन आना आध्यात्मिक यात्रा पर आए, तो यहां आध्यात्मिक यात्रा पर मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, फिर बुद्धि घर के तरफ नहीं होनी चाहिए, पुत्र के लिए ये ले ले, पोत्रों के लिए ये ले ले, पुत्रों के लिए ये ले ले, ये यात्रा नहीं है। तो इसीलिए हर दोनों जगह की यात्रा के संस्कार, जब आप वहां है, यहां व्यवहारिक कुशलता जरूर होनी चाहिए, लेकिन जब वहां से यहां आए हैं, तो फिर मैं और मेरा बाबा तीसरा अंदर बीच में दूसरा कोई भी आना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविकता हमारी संस्कारों में, जब हमारे संस्कारों में आ जाएंगे, तो हमने दोनों जगत की तैयारी करना शुरू की। तो बेहद की वैराग वृत्ति की हो, तो साथ में बाबा कहते राज ऋषि भी हो, ऋषि भी है लेकिन राजा भी है, तो राजा ही संस्कारों को भी यहां धारण कर ले, तो ऋषि के संस्कार को भी यही धारण कर ले। तो राजा भी है, ऋषि भी है, न्यारा और प्यारा भी रहना है, बेहद के वैराग की वृत्ति भी हो, ये परम धाम के संस्कार है, लेकिन सतयुग के संस्कार जो है वो भी यहां ही धारण कर। कई बार ब्राह्मणों में ये देखा गया, कोई एक तरफ हो जाता है, या सतयुग की संस्कार के तरफ ही हो जाता है, या परम नाम के साथ, अरे बिना परम नाम जाए सतयुग में डायरेक्ट जाने वाले हैं क्या? तो परम नाम के संस्कार तो पहले चाहिए ना, फिर सतयुग की संस्कार की धारण कर ले, दोनों विकल्प चलने पर है। तो इसीलिए दोनों का पुरुषा साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलना ही चाहिए हमारी लाइफ से। और ये लाइफ में अगर ये नहीं हुआ, तो फिर कब करेंगे, फिर कब करेंगे? दूसरी बात कि जब रिटर्न जर्नी पर है, तो जमा का खाता इतना भरपूर होना चाहिए, जमा का खाता। जैसे किसी को पूछा
चलेंगे, हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन मधुबन आने के लिए भाड़ा का टिकट का पैसा भी नहीं है तो कैसे चलेंगे। कम से कम इतना तो जमा किया हो कि यहाँ मधुबन तक के टिकट तो निकाल सके। मधुबन में आएंगे तो कम से कम यहाँ अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ तो कर सकेंगे, इतना तो हो हमारे पास। चलो टिकट का पैसा यहाँ तो इस दुनिया में तो कोई भी दे देगा, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न जर्नी पर हम है तो मेरे पास इतना जमा है, कौन सा जमा का खाता अपना तैयार करना है और कितना चाहिए को, तीन जमा के खाते के बारे में बाबा हमेशा बताता है। पहला जमा का खाता स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को कहा। स्व पुरुषार्थ किसको कहा? तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक श्रीमत के आधार पर जो कर्म किए वो स्व पुरुषार्थ। श्रीमत के आधार पर हर कर्म वो स्व पुरुषार्थ। अमृत वेले की श्रीमत बाबा ने दिया, अमृत वेले हम उठे, बाबा को प्यार से याद किया, ये स्व पुरुषार्थ। बाबा ने मुरली चलाई, मुरली का जो अध्ययन प्यार से हमने किया, एक एक बात को हमने धारण किया अपने जीवन के अंदर, या जो बाबा ने मुरली के अंदर बातें कही उन बातों को समाते गए अंदर में और प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं में उसको लाते गए, ये स्व पुरुषार्थ है। जहां सिर्फ मेरा कनेक्शन है, अमृत वेले का कनेक्शन सिर्फ मेरा है, जहां मुझे अपने जमा करना है तो उससे प्रारब्ध की जमा करना, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को जमा करना। दूसरा है कि सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। बाबा ने इसीलिए बच्चों को कहा, बच्चे स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत घड़ी तक चलनी चाहिए। सेवा कर, सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, क्योंकि ये पुण्य का खाता भी बहुत, जो हमने किया है वो पुण्य हमारा ही साथ में चलने वाला है, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता भी साथ में चलना है। सेवा जो किया है, कान मन धन जन संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा समय स्वास्थ्य शक्ति, जिस भी तरीके से सेवा किया वो सेवा हमारा पुण्य का खाता बढ़ाती है। कितने तरीके से सेवा कर सकते हैं, जितना सफल किया, समय स्वास्थ्य शक्ति सफल किया, उतनी सफलता हमारे पुण्य के खाते में बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी। क्यों ये सेवा भी करनी है हमें? क्योंकि ये कहां काम आना है, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध का खाता है सत्ययुग और त्रेता युग दो युग चलेगा। सत्ययुग और त्रेता युग के, सत्ययुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 20 जन्म हमें चलाना है, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध जमा किया उसी से, इसलिए बाबा ने कई बार बच्चों को मंडली में कहा, जितना ज्ञान रतन यहाँ इकट्ठा के उतना वहां स्थूल रतन मिलेंगे, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता सत्ययुग और त्रेता युग में कहा। वहां एक एक जन्म का स्टेटस फाइनल करेंगे स्व पुरुषार्थ द्वारा। इसीलिए प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने भी ये नहीं कहा बाबा के मन में कभी भी कि भाई मैं तो शिव बाबा का रथ हूं इसीलिए मुझे सहजता से मिल जाएगा, नहीं, बाबा ने भी एक एक बात का पुरुषार्थ किया। और प्रैक्टिकल बच्चों के लिए एग्जाम्पल
63 जन्म उस पुण्य के बेसिस पर हमें एक एक जन्म मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि जो ये संस्कार यहाँ से धारण करेंगे हम सेवा करने का भी, तो द्वापर कलयुग में दान करके पुण्य कमाते हैं या सेवा करके पुण्य कमाते हैं। इसलिए कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में है वो सेवा के संस्कार यहाँ वाले हैं। जो यहाँ के सेवा के संस्कार है उसी से 63 जन्म हमने चलाया। जैसे बाबू कहते हैं कि कई बार कोई अगर हॉस्पिटल में दान करते हैं तो दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छी मिलती है, एजुकेशन में दान करते हैं तो अच्छे दिमाग मिलता है। तो वो 63 जन्म जो चला उसी बेसिस पर चला, दान करके या करके करा। लेकिन जो सेवा करते हैं हम, ये कितने प्रकार से जो सेवा किया, तन मन धन समय स्वास्थ्य शक्ति मनसा वाचा कर्मणा, ये जितने भी तरीके से हमने सेवा किया या उसको सफल किया, वो संस्कार जब आत्मा ले जाती है तब वहां वो दान करके पुण्य कमा करके उस जन्म को चलाती है। इसीलिए ये सेवा करना भी आवश्यक है, क्योंकि यही बेसिस बन जाता है वो 63 जन्म। आप सोचो कि बाबा का ज्ञान का ज्ञान मिला, ये लास्ट बर्थ भी कैसा था? दुनिया के आत्माओं के हिसाब से बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी बुद्धि थी जो भगवान को तो पहचान सके। विद्वान की दुनिया के लोग, लेकिन फिर भी उनके पास वो बुद्धि नहीं जो भगवान को पहचान सके। और बाबा के बच्चे साधारण होंगे, अनपढ़ होंगे, लेकिन भगवान पहचानने की बुद्धि है, इतनी अच्छी बुद्धि लास्ट जन्म में भी तो है। तो 63 में द्वापर के पहले जन्म में कितनी अच्छी बुद्धि होगी सोचो। अच्छा, दुनिया के हिसाब से चरित्र इतना अच्छा था, चरित्र अच्छा था तभी तो बाबा का ध्यान आकर्षण किया और यहाँ चरित्र निर्माण
शारीरिक कर्म भोगना के हिसाब से भी आएगी, तो संबंध संपर्क में संस्कारों के टकराव के हिसाब से भी आएंगी। हम किसी से टक्कर खाने नहीं जाएंगे, लेकिन लोग हमसे टक्कर खाएंगे उसका क्या है? उसको भी तो संभालना है। लोग टक्कर खाने वाले टक्कर खाने आएंगे, लेकिन मेरी अगर तैयारी है तो मैं उसको भी हैंडल कर सकूं, उस टकराव को भी। तीसरा, परिस्थितियों का, समस्याओं का, ये कोना भी तो आएगा, नेचुरल कैलामिटीज का ये कोना भी तो आएगा, है ना, आत्माओं का अटैक ये भी तो कोना आएगा। तो इसीलिए दुआओं का खाता, जिसके पास दुआओं का खाता भरपूर होगा, तो अंतिम समय के चारों ओर के पेपर में मक्खन से बाल इसीलिए ये तीनों खाते भरपूर चाहिए, ये तैयारी जरूरी है। और ये तैयारी अगर नहीं किया है, ये तीनों खाते जमा के हमारे पास नहीं है, तो फिर जो मिला उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसके लिए बाबा ने कहा, अंतिम समय उन आत्माओं को पश्चाताप के आंसू, संदेह की मुनि याद करो, पश्चाताप के आंसू, आग में चलना पड़ेगा। चार आग बताइए बाबा ने अव्यक्त मुरली में, संदेह की मुरली में, तो पश्चाताप की आग में चलना पड़ेगा। कह रहे तेरे पास समय था, सब कुछ था, लेकिन समझना है। इसीलिए जो कहा, विनाश की आग, विकारों की आग, देह और देह के संबंधों के आग और पश्चाताप की आग में, ये चारों प्रकार की आग का सामना करने के लिए दुआओं का खाता एक ही, वो शीतलता का अनुभव कराएगा। जितना हमारा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ कनेक्शन पावरफुल होगा, उतना शीतलता प्रदान होगी, उतनी शीतलता की अनुभूति होगी। ये आग में हमें जलना नहीं पड़ेगा। दुआओं का खाता ये शीतलता का अनुभव कराएगा, क्योंकि उसी को बाबा का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। जाने से पहले तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है। जिस तरह दुनिया में कोई विदेश में जाता है, वीजा जरूरी है, तब तक जा नहीं सकता है, फिर परम धाम में अटकना पड़ेगा, या परम धाम तक जाने के लिए भी धर्मराज पुरी में अटकना पड़ेगा, है ना, वीजा ही नहीं है। तीनों सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, ये ब्राह्मण परिवार भी, या जो भी संबंध संपर्क है, सभी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट देवे और बाबा मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट होंगे तब पास के कॉर्नर के धर्मराज के पास भी सलामी मारते हुए निकल जाएंगे, पर ना वहां भी अटक नहीं होगी। लेकिन जिसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है, उसका हाल क्या होगा? रिटर्न जर्नी में कितना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, फाइन नहीं हुए तो फाइन भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी परम धाम जाने के लिए भी, कि भाई रिटर्न टिकट तो तुमने लिया ही नहीं है, लिया तो ये तो सब पूरा है ही नहीं। इसीलिए हम सोचते रहे कि हमारी रिटर्न टिकट कन्फर्म हो गई है, लेकिन कन्फर्म हुई नहीं लास्ट तक, भरनी पड़ेगी। और तब तक वहां समय तो निकल जाएगा, समय किसी के लिए रुकना नहीं है। सत्युग चालू हो जाए तो वो आत्माएं नीचे उतर आएंगे, फिर त्रेता युग, तब तक हम पेनल्टी भर रहे हैं और त्रेता युग भी पूरा हो गया तो मैं कहां आऊंगी। तो इसीलिए मुझे इतनी पेनल्टी न भरना पड़े कि वो पेनल्टी भरने के बाद परम धाम में जाके रेस्ट करना पड़े और फिर नीचे आऊं तो नीचे समय पूरा हो गया। सब
मृत्यु में भी नहीं आ सके थे, क्योंकि अंत में आना पड़ा। एक बार ज्ञान लिया है तो आएंगे तो जरूर स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में भी कौन सी क्वालिटी का जन्म मिला ये देखना। पेनल्टी बढ़ते बढ़ते क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ होगी? इसीलिए जैसे दुनिया में कहते हैं लोग श्री कृष्ण के भी भक्त है, श्री राम के भी भक्त, शायद दुनिया में आज श्री राम के भक्त ज्यादा होंगे, लेकिन आज किसी को भी अगर पूछा जाए राम सीता बनेंगे तो क्या करेंगे? राम सीता के भी बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया से, सतयुग की दुनिया की क्वालिटी से त्रेता युग की क्वालिटी फिर भी दो गलत कम होती है। तो चाहिए तो हर एक को संपूर्ण चाहिए, दो क्वालिटी दो डिग्री कम भी नहीं चाहिए आपको। तो जब नहीं चाहिए तो कितना जमा करना पड़ेगा तब जाकर के उस दुनिया में जा सकेंगे। तो उसकी तैयारी अगर यहाँ ही नहीं हुई है हमारी, तो इसीलिए बुद्धि योग अभी बाहर की दुनिया से समेटते हुए आत्मस्थिति में, आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हमारी बना देना, हर बात में ये पाठ इतना पक्का हो हमें, बाबा रोज रोज हमें पाठ पक्का करा रहे हैं, आत्म समझ करके मुझे याद करो बच्चे, आत्म समझ करके याद करो, मन मना हो। और हम यही हिसाब लगाने में लगे हुए हैं कि बाबा ये बात पूरी हो जाए, ये जिम्मेवारी मेरी पूरी हो जाए, उसके बाद बस आपको याद करना और कुछ नहीं करना है ना। अरे बाबा को याद करो तो जिम्मेवारी भी सहजता से पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए हम यात्रा पर हैं, और यात्रा पर अनेक साइड सीन तो आती जाएगी, आप चलते चलो सीन चली जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, और आप अपनी मंजिल की और आगे बढ़ जाओ, प्राप्त कर लो। ये है रिटर्न जर्नी के लिए अपनी तैयारी करना। जो आत्मा संपूर्ण सुख प्रदान, सातों गुणों से भरपूर, कम से कम ये पुरुषार्थ करते हुए मैं अपने आप को इतना श्रेष्ठ पावन बना दो अब कि के जो संस्कारों की टक्कर में नहीं जाना है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मन मत पर मत, इन सब बातों के उसमें नहीं जाओगी, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी पर है। तो अब श्रीमद क्या कहती है उस पर फोकस करना है, और श्रीमद के आधार पर हमारे पर कर्म हो, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है उसका कर्म हो जाने, उसका कर्म उसको नहीं छोड़ेगा। कर्म लग उसको, मैं कौन होता हूँ इस समय जज बन करके उसके कर्मों का, भाई उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय जिसने जो किया उसके कर्म उसके सिर माथे, जैसे कहते हैं कि भाई जानवर के सिंह उसको भारी होते हैं, ठीक इसी तरह हाँ भाई उसके सिंह है, उसके सिंह है, उसके पीछे मैं क्यों चिंता करूँ? अगर उसके कर्म गलत है, अगर उसके कर्म में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, तो वो जाने, धर्मराज जाने, हाँ उसके कर्म वो अपने आप चुकाएगा। मैं जज बन करके उसके कर्मों में भागीदारी क्यों बनाने जा रहा हूँ? ये समझदारी तो नहीं है कि उसके कर्मों का चिंतन करते हुए मैं उसके कर्मों में पार्टनरशिप बना लूं। अब रिटर्न जर्नी उसके कर्मों में पार्टनरशिप बनाने का परवड़ता है क्या? नहीं परवड़ता है। इसीलिए उसके कर्म हो जाने, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं। जिसके कर्म हो जाने उसके सिंह उसको भारी है ना, धर्मराज जाने हो जाने उसका हिसाब किताब वो ना जाने, मैं उसके साथ पार्टनरशिप बनाना नहीं है। इसका चिंतन और चिंतन व्यर्थ चिंतन, उससे अपनी बुद्धि को समेट लेना है, और स्वचिंतन
शुभ चिंतन करते हुए दूसरों को भी शुभ भावना का दान देते हुए शुभ कामना रखते हुए हम अपनी जर्नी में आगे निकलते जाए कि साइट सीन में मुझे फंसना नहीं है। ठीक है, तो ये रिटर्न जर्नी की तैयारी हमें